हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ टेंथ क्लास साइंस, दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर है ये। आपने पिछली क्लासेज में भी एसिड्स और बेसिस के बारे में कुछ ज़रूर पढ़ा होगा, और ज़्यादातर यही कहा जाता है कि जब हम एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ते हैं तो मोस्टली ये कहा जाता है सब्सटेंसेस या द फूड आइटम्स विच आर सोर इन टेस्ट, जो टेस्ट में खट्टी होती हैं उनमें या तो एसिड होता है या वो खुद एसिडिक होती हैं, या फिर और दूसरी चीज़ क्या कही जाती है कि द फूड आइटम्स विच आर बिटर इन टेस्ट कंटेन बेस इन दैट फूड आइटम, मीन्स सोर फूड आइटम्स क्यों है सोर, उनका जो टेस्ट है, वाई द फूड आइटम इज सोर इन टेस्ट ड्यू टू एसिड्स, एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आइटम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, और हम ये भी मोस्टली सुनते हैं कि कई बार क्या होता है कि ओवर ईटिंग कर लिया, अगर ज़्यादा खाना खा लिया या फिर स्पाइसी खाना खा लिया तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। इन इफ़ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी, तो क्या करने की सलाह दी जाती है अगर एसिडिटी हो जाती है तो क्या कहा जाता है कि क्या किया जाए, क्या इलाज किया जाए। तो आपने तो आई थिंक कि मार्केट से जो दवाइयाँ आती हैं या कुछ पाउडर आता है कि ये सुना होगा कि इसको पानी में डालकर पी लेंगे तो एसिडिटी कम हो जाएगी, लेकिन एक जो सिंपल देसी इलाज होते हैं जो घर में किए जाते हैं, इन तीनों में से आपने कभी अगर सुना हो कि क्या एसिडिटी को ठीक करने के लेमन जूस की सलाह दी जाती है, या विनेगर, विनेगर मीन्स सिरका, या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन की सलाह दी जाती है। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ना तो लेमन जूस के लिए कहा जाता है, ना तो लेमन जूस एसिडिटी को ठीक कर सकता है, ना ही विनेगर उस एसिडिटी को ठीक कर सकता है। तो क्या है इन तीनों में से, वो है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अब जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा जो घरों में मिल जाता है, बेक करने के काम आता है फूड आइटम्स को, जो ये बेकरी वाले भी यूज़ करते हैं पाव बनाने के लिए, डबल रोटी बनाने के लिए, ये सब चीज़ें बनाने के लिए, केक में भी यूज़ किया जाता है, उसके अंदर वो क्या है एक्चुअल में, दैट इज़ बेसिक इन नेचर। उसका नेचर क्या है, कैसा नेचर है, उसका बेसिक नेचर है। ठीक है, तो इसके बेसिक नेचर के कारण ये एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। तो क्या रीज़न है जो बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है, क्योंकि एसिड के कारण हमारे स्टमक में ओवर ईटिंग करने के कारण या फिर स्पाइसी फूड खाने के कारण एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी का रीज़न क्या है कि एसिड बन गया, ज़्यादा एसिड बन गया है। ओके, और इसको, इसके इफ़ेक्ट को नलीफाई करने के लिए, इसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या लिया जाता है, बेस लिया जाता है, क्योंकि जो बेस होता है बेस के इफ़ेक्ट को एसिड ख़त्म कर देता है और एसिड के इफ़ेक्ट को बेस ख़त्म कर देता है। ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, दोनों एक दूसरे की जो पावर है उसको कैंसिल कर देते हैं, ना तो एसिड एसिड रह जाता है बेस के आने पर, ना बेस बेस रह जाता है, दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए जब भी एसिडिटी होती है तो कोई ना कोई, जो भी आप दवाई लेते हैं वो एक्चुअली क्या होती है, उसके अंदर कोई बेस होता है, जिसके कारण वो बेस हमारे स्टमक में जाकर उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और एसिडिटी से हमें थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और आप लोगों ने पहले 6 to 8 की क्लासेस में ये भी पढ़ा होगा कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके क्या चीज़ है जो कि जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये एसिडिक है, कोई ऐसी चीज़ जिससे हम पता लगा सकें कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो लेबोरेटरीज़ होती हैं स्कूल्स में, साइंस लेबोरेटरीज़ होती हैं, केमिस्ट्री की लेबोरेटरीज़ होती हैं, वहाँ पर कई सारे केमिकल्स होते हैं, है ना, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अब उन केमिकल्स में से कुछ, जो केमिकल्स उनमें से कुछ एसिड्स होते हैं और कुछ जो है वो बेसिस होते हैं। तो क्या हम इनको टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है या बेस, कि भाई अगर कोई केमिकल टेस्ट में खट्टा है तो वो एसिड है और अगर कोई बिटर है, कड़वा है, तो वो बेस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना तो टच करके, ना ही टेस्ट करके कभी भी किसी भी केमिकल का पता लगाने के लिए कि ये एसिडिक है या बेसिक है, कभी भी ना तो उसे टेस्ट करने की सलाह दी जाती है, ना तो उन केमिकल्स को टेस्ट करने की सलाह दी जाती है, ना ही उन्हें टच करने की सलाह दी जाती है। क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो जला देते हैं स्किन को, या कपड़ों पर गिर जाए तो जला देते हैं, तो उनसे जलन होती है। और टेस्ट एसिड तो आपको पता ही है, आपने सुना होगा काफ़ी बार एसिड्स जो है तेजाब के बारे में सुना होगा कि वो काफ़ी ख़तरनाक होता है,
तो इसलिए ना तो टेस्ट किया जाता है इनका पता लगाने के लिए, इनके नेचर का पता लगाने के लिए, ना ही उनको टच किया जाता है। तो अब कोई तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना जिससे हम पता लगा पाएँ कि जो सब्सटेंस हमें दिया गया है वो एसिडिक है या वो बेसिक है, जो केमिकल हमें दिया गया है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ऐसा इन चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए, एसिडिक या बेसिक बिहेवियर पता लगाने के लिए इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। इंडिकेटर्स मीन्स जो इंडिकेट करते हैं कि गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक, वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो इंडिकेटर का क्या काम है? टू चेक वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो इंडिकेटर्स कई सारे होते हैं। लिटमस के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जैसा कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि जो एसिड्स हैं, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, टेस्ट में खट्टे होते हैं। बट उनका, जैसा मैंने बताया कि टेस्ट करके हमें नहीं कभी भी चेक करना कि एक एसिड है या बेस है। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ये हम कर सकते हैं। लिटमस पेपर आते हैं दो तरह के, या लिटमस सॉल्यूशंस आते हैं। लिटमस जो पेपर होता है या लिटमस का जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल होता है। ठीक है, तो इसके दो अलग अलग पेपर्स बनाए जाते हैं, दो अलग अलग कलर के पेपर बनाए जाते हैं। एक बनाया जाता है ब्लू और एक बनाया जाता है रेड। तो ये दोनों काम करते हैं, ब्लू और रेड, पता लगाने के लिए कि गिवन केमिकल या इज एसिडिक और बेसिक। तो ये क्या करते हैं, आप ये जानते हैं कि जो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और बेस क्या करते हैं, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो दो जो लिटमस हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, अगर ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप किया जाए तो वो रेड कलर का हो जाता है, और रेड लिटमस पेपर को अगर एसिड में डिप किया जाए तो उस पर कोई चेंज नहीं होगा। ब्लू अगर हम डालते हैं एसिड में तो वो रेड हो जाता है, बट जो रेड लिटमस पेपर है उसका कोई चेंज नहीं होता। ऐसा ही बिल्कुल बेस में होता है, बेस में अगर जो रेड लिटमस पेपर डाला जाए तो वो ब्लू तो हो जाएगा, बट अगर ब्लू लिटमस डाला जाए बेस में तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। ओके, लिटमस की तरह से लिटमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिकेटर्स जो हैं वो नेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरल मीन्स जो कि नेचर में मिलने वाली चीज़ों से, जैसे कि प्लांट्स से मिलते हैं तो वो नेचुरल है, और जो सिंथेटिक मैन मेड हैं, केमिकल्स हैं जो फैक्ट्रीज में लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं, वो क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो जो लिटमस के बारे में हम पढ़ते हैं, एक तो है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर में क्या क्या आते हैं, एक आता है लिटमस, क्योंकि जो ये लिटमस है ना कहाँ से बनता है, ये मिलता है लाइकेन से। लाइकेन्स के बारे में आपने 9th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा, जब आपने फंगस और एल्गी के बारे में पढ़ा होगा तो आपने लाइकेन्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो लाइकेन्स से लिटमस मिलता है, तो लिटमस जो है वो भी नेचुरल इंडिकेटर है। ऐसे ही टर्मरिक, हल्दी, हल्दी भी एक इंडिकेटर है और वो नेचुरल है, क्योंकि हल्दी कहाँ से मिलती है, वो प्लांट से मिलती है। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर, मीन्स नेचुरल इंडिकेटर। तो कैसे ये एक इंडिकेटर का काम करती है हल्दी, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, खाना खाते खाते हमारे कपड़ों पर सब्जी गिर जाती है, तो क्या हो जाता है, उस पर सब्जी के कारण येलो कलर का स्टेन लग जाता है, उस पर येलो कलर का दाग लग जाता है। और जब हम, अगर हम कपड़े धोते हैं उस पर साबुन रगड़ते हैं, जो वो स्टेन येलो कलर का स्टेन लग गया, धब्बा लग गया, उसके ऊपर जब साबुन रगड़ते हैं तो वो येलो कलर का दाग रेड हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, नहीं तो आप ये करके भी देख सकते हैं, छोटा सा कपड़ा लेकर, लाइट कलर का क्लोथ लेकर, क्लोथ का पीस लेकर, आप उसके ऊपर सब्जी का थोड़ा सा ड्रॉप डालिए दो चार, उसको सूखने दीजिए, उसके बाद जब आप उसको, उसके ऊपर पानी डालकर, या गीले पर भी आप अगर उस पर साबुन रगड़ेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। तो क्या क्या हुआ इससे, क्या कारण है इसका, क्योंकि जो टर्मरिक है, जो सब्जी थी उसके अंदर क्या था, टर्मरिक था, हल्दी थी, और साबुन, सोप में क्या है, सोप क्या है, बेस है। तो हल्दी ने क्या किया, हल्दी ने, टर्मरिक ने क्या किया, या टर्मरिक के साथ क्या हुआ, जब टर्मरिक जो है वो बेस, टर्मरिक के ऊपर बेस लगाया गया
तो जो येलो कलर था टर्मरिक का वो रेड हो गया। लेकिन जब हम काफ़ी सारे पानी में से इसको कपड़ों को जब निकालते हैं, धोते हैं साबुन लगाने के बाद, तो वो जो स्टेन था ना वो वापस, जो रेड हुआ था साबुन लगाने से, वो वापस येलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो साबुन उसके ऊपर हमने लगाया था दाग के ऊपर, धब्बे के ऊपर, वो तो सारा पानी में निकल गया, तो इसलिए वो वापस येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हैं दोनों नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, लिटमस भी और टर्मरिक भी। एक और नेचुरल इंडिकेटर है जो कि आपने अगर चाइना रोज़ देखा हो, काफ़ी कॉमन है ये फ्लावर, काफ़ी जगहों पर आपको लगा हुआ मिल जाएगा, गार्डन्स में तो होता ही है मोस्टली। चाइना रोज़ भी कहते हैं इसको, और हिंदी में कॉमन नेम जो है इसका गुड़हल, गुड़हल का फूल भी कहते हैं, या हिबिस्कस। तो वो जो फूल है उससे भी बनाया जाता है चाइना रोज़ से, तो वो भी नेचुरल इंडिकेटर होगा। ऐसे ही सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल हैं जैसे फिनोफ्थलीन है, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में मैथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं इसको, और फिनोफ्थलीन, ये भी हैं। और भी इंडिकेटर्स आते हैं, कुछ सब्सटेंसेस जो हैं ऐसे होते हैं जो इंडिकेटर्स का काम करते हैं, जो कि बनाए जाते हैं केमिकल्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हैं मैथिल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। आपको ध्यान रखना है ये नेचुरल इंडिकेटर लिटमस एंड टर्मरिक, एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स मैथिल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। इनसे हम एसिड बेस का टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम एसिड बेस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, तो ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पर दिया गया है कि लिटमस सॉल्यूशन इज़ ए पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, लाइकेन से मिलता है। लाइकेन जो है एक्चुअल में यहाँ प्लांट लिखा हुआ है, बट ये प्लांट नहीं है, ये क्या है, ये एल्गी और फंगस की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इसके बारे में आपने ज़रूर 9th क्लास में पढ़ा होगा। लिटमस, व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नोर बेसिक, इट्स कलर इज़ पर्पल। मतलब कि सिंपल जो लिटमस है, ओरिजिनल लिटमस है, वो पर्पल कलर का है। ठीक है, तो और भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जैसे रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक हल्दी जो हमने अभी किया, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जिरेनियम, ये भी जो है एसिड्स और बेस का पता लगाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये भी इंडिकेटर्स के काम में, इंडिकेटर्स की तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो आपको जो दो दो एग्जांपल्स मैंने सिंथेटिक और नेचुरल इंडिकेटर्स के बताए हैं इस पैराग्राफ में दिए हैं, लिटमस नेचुरल इंडिकेटर्स एंड टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर, वेयर एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मैथिल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। आपको ये याद रखने इतना ही काफ़ी है आपके लिए, बस आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से हैं। तो अब एक ये क्वेश्चन है, बहुत समझने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना। ऐसा भी नहीं है कि बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं उसको अच्छे से समझने के लिए, स्पेशली लिटमस को समझने के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन क्या है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं, 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं आपके पास, ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर टू कंटेन एन एसिडिक सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन। आपको बताया नहीं गया कि तीनों में से किस में डिस्टिल वाटर है, तो हमने इनका नाम रख दिया ए टेस्ट ट्यूब, बी टेस्ट ट्यूब, सी टेस्ट ट्यूब। इन तीनों में से एक में डिस्टिल्ड वाटर है, हिंदी में इसको डिस्टिल्ड वाटर, एक में है एसिड और एक में है बेसिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, आपको सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया गया है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि किसमें एसिड है, किसमें बेस है और किसमें डिस्टिल वाटर है। आपको मैं बता दूं कि जो डिस्टिल वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, वो ना तो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो रेड लिटमस पेपर हमें पता है कि वो क्या करता है, बेस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, तो रेड लिटमस पेपर से तो हम सिर्फ बेस का पता लगा पाएंगे। और एसिड का पता लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें ब्लू लिटमस पेपर चाहिए होता है। तो हम क्या करें अब इसके लिए, इसके लिए क्या करते हैं कि जो आपको तीनों टेस्ट ट्यूब दी हुई हैं, इनमें हम बारी बारी से अलग अलग रेड लिटमस पेपर लेकर, वही लिटमस पेपर यूज़ नहीं करना है आपने,
अगर एक ही लिटमस पेपर है तो आप उसके पार्ट्स कर लो, या फिर अलग अलग लिटमस पेपर है, तीन लिटमस पेपर आपको दिए हुए हैं, मान लो तीनों ही रेड हैं, ओके। यहाँ पर ये नहीं किया कहा कि एक ही लिटमस पेपर है, यहाँ ये बताया कि सिर्फ आपको रेड लिटमस पेपर दिया है, तो आपने एक एक लिटमस पेपर लेकर जो कि रेड कलर का है तीनों में बारी बारी से डिप करना है, ओके। जिसमें जाकर वो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो गया, वो उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, उस टेस्ट ट्यूब में बेस होगा, हो गया, बेस का पता चल गया। मान लो कि हमारी जो सी टेस्ट ट्यूब है इसमें बेस है, तो ये अलग हो गई। अब हमें पता लगाना है कि इन दोनों में से किस में एसिड है और किस में डिस्टिल वाटर है। तो आपको पता है कि जो एसिड है वो क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, आपको पता है ना। तो हमारे पास जब हमने बेस के अंदर रेड लिटमस पेपर डाला था तो वो ब्लू हो गया था ना, तो अब हम इसी ब्लू को जो कि रेड को बेस में डालने के बाद हमारे पास आया था, इसको हम सूखने देते हैं क्योंकि ये ब्लू लिटमस पेपर बन चुका है। अब इस ब्लू लिटमस पेपर के दो पार्ट्स करके हम एक पार्ट को ए टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और एक पार्ट को बी टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, जिसमें जाकर ये ब्लू लिटमस पेपर वापस रेड हो गया, वो एसिड है। मान लो कि जो ए है वो एसिड है, इसमें जाकर जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड हो गया था, और जो रह गया जिसमें कि कोई असर नहीं हुआ, ना ही रेड लिटमस पेपर का हुआ था ना ही ब्लू लिटमस पेपर का हुआ था, उसमें क्या है, उसमें डिस्टिल वाटर है, ओके। इस तरह से पता लगा सकते हैं हम। ऐसे अगर आपको सिर्फ ब्लू लिटमस पेपर दिया होता तो भी आप पता लगा लेते कि तीनों टेस्ट ट्यूब में से किस में डिस्टिल वाटर है, किस में एसिड है और किस में बेस है, ठीक है। अब है कि अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमें समझना है। हमारी लैबोरेटरी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, काफ़ी सारे केमिकल्स तो साल्ट्स ही होते हैं, लेकिन कुछ एसिड्स भी होते हैं, कुछ बेसिस भी होते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी दी हुई है, कलेक्ट फॉलोइंग सैम्पल्स फ्रॉम द साइंस लैबोरेटरी। क्या क्या हमें कलेक्ट करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, नाम में ही है इसके, एसिड है ये, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, नाइट्रिक एसिड लेना है, एसिटिक एसिड लेना है, ठीक है। ये हमने तीनों ले लिए, चारों ले लिए, चारों एसिड्स हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं आपको, फॉर्मूलाज पे भी ध्यान देना है, आप लास्ट क्लास में नाइन्थ क्लास में ये पढ़ चुके हो, इनके फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको ये दोबारा से रिकॉल करने हैं इनके फॉर्मूलाज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, मे बी कि आपने एसिटिक एसिड के बारे में ना पढ़ा हो। ये हो गए एसिड्स। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम MgOH2 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ NS4OH। यहाँ आप देखिए, शायद आपको ध्यान भी आ जाएगा कि जहाँ पर जिसमें भी H, ओनली H, नाम एसिड के तो नाम में ही एसिड लिखा हुआ होता है तो पता चल जाता है, जो सॉल्यूशंस HIN देते हैं वाटर में डालने पर वो एसिड्स होते हैं, और जो OHIN देते हैं वो बेस होते हैं। तो जहाँ भी आपको जिनके भी फॉर्मूलाज में OH दिखाई दे रहा है वो सभी क्या हैं, वो सभी एसिड्स हैं। ये नहीं है एसिटिक एसिड को आपने बेस नहीं समझना, यहाँ OH आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बट ये वाटर में डालने पर HINs देता है, तो दिस इज एसिटिक एसिड, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है ये एक एसिड है। तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हमने ये सारे सैंपल्स जो भी इनमें से मिलते हैं वो ले लेने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ अबव सॉल्यूशन ऑन ए वॉच ग्लास। तो आप वॉच ग्लास ले सकते हो, वॉच ग्लास जो कांच की इस तरह से छोटी छोटी सी बाउल्स टाइप होते हैं, सिंपल वॉच ग्लास होती हैं, अलग अलग लेकर उनके अंदर आपने एक एक दो दो ड्रॉप्स ड्रॉपर से, मतलब कि आपको अगर यहाँ पर 9-10 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, सैंपल दिए हुए हैं, तो आपने 9-10 वॉच ग्लास लेनी है, 9-10, और हर में अलग अलग में अलग अलग सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है, ओके। अब आपने बारी बारी से ये लिट, आपको कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, रेड ब्लू फिनोफ्थलिन, रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर फिनोफ्थलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, इनसे बारी बारी से टेस्ट करना है कि जब हम ये इन इंडिकेटर्स के साथ जब ये सॉल्यूशंस मिलते हैं तो इनमें क्या चेंज देखने को मिलता है, वो अब हमें टेस्ट करना है। तो इस तरह से हमें टेबल बनानी है, यहाँ
यहाँ पर टेबल में जैसे जैसे हम टेस्ट करते जाएंगे बारी बारी से हमें नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, रेड लिटमस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन की एक ड्रॉप जो है HCl में डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा उसके कलर में, या HCl की एक दो ड्रॉप्स रेड लिटमस सॉल्यूशन में डालते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ HCl को हम मिलाते हैं तो इसका ब्लू का जो कलर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर बात करते हैं फिनोफ्थलीन की। तो जो फिनोफ्थलीन है ये एसिड के साथ इसमें कोई चेंज नहीं होता। फिनोफ्थलीन जो सॉल्यूशन है ये कलरलेस होता है। फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन इज कलरलेस, एसिड के अंदर इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये वैसे का वैसा ही रहता है। तो हम इसको लिख देते हैं नो चेंज, ओके। अब जो मिथाइल ऑरेंज है, जैसा कि नाम से ही है ये ऑरेंज कलर का होता है, और एसिड के साथ मिथाइल ऑरेंज जो है वो उसका ऑरेंज कलर रेड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमने एसिड का देख लिया, ऐसे ही सभी एसिड्स का होगा, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड है, चाहे वो नाइट्रिक एसिड है, या फिर वो एसिटिक एसिड है, ओके। हमने ये लिख लिया। फिर हम बेसिस देखते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है कि बेस है, जब हमें तो पता है, लेकिन हमें इनसे टेस्ट भी करना है कि क्या जो हम कह रहे हैं कि जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, क्या वो सही है या नहीं है। तो अगर ब्लू हो गया रेड लिटमस तो कन्फर्म हो जाएगा कि यस, जो हम कह रहे हैं कि बेसिस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं वो सही है। तो NaOH जो है वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिनोफ्थलीन जो है, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन की एक भी ड्रॉप डाल देते हैं तो वो उसका डार्क पिंक कलर हो जाता है, ठीक है। और जो मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है वो हो जाता है येलो कलर का। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ मिथाइल ऑरेंज है जो एसिड और बेसिस दोनों के साथ उसके कलर में चेंज होता है, जबकि फिनोफ्थलीन का कलर चेंज सिर्फ बेस के साथ होता है, ब्लू लिटमस का कलर चेंज एसिड के साथ होता है, और रेड लिटमस का जो है वो बेस के साथ होता है। ऐसे ही आप एक और नोट कर सकते हैं इसके अंदर टर्मरिक भी, क्योंकि आप टर्मरिक के बारे में अभी आपने पढ़ा है। जो एसिड्स हैं, एसिड्स टर्मरिक पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, येलो कलर का येलो कलर ही रहता है टर्मरिक का, लेकिन जो बेसिस हैं वो टर्मरिक के येलो कलर को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया ही है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि अलग अलग इंडिकेटर्स जो हैं किस तरह से हमें बताते हैं उनके कलर्स में चेंज होता है, तो हमें वो बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। ये तो वो इंडिकेटर्स हैं जो अभी तक हम बात करते आ रहे हैं इन सभी इंडिकेटर्स की। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें कलर में चेंज होने पर बताते हैं कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। कुछ और इंडिकेटर्स भी होते हैं जिनकी स्मेल में चेंज हो जाता है, जब वो इंडिकेटर्स एसिड या बेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनकी स्मेल में चेंज हो जाता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो गिवन सब्सटेंस है उसके अंदर एसिड है या बेस है, या गिवन सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो उन इंडिकेटर्स को हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ओडर, ओडर मींस स्मेल, चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, दीज आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जो अनियन है, अनियन जूस, प्याज का रस, वो ऐसा ही एक इंडिकेटर है, ठीक है। तो उसके लिए भी ये एक्टिविटी दी हुई है, वो एक्टिविटी की जा सकती है, जैसे कि टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन ए प्लास्टिक बैग अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ। कुछ चॉप्ड अनियंस, जो एक अनियन लेकर उसको बहुत बारीक बारीक पीसेस में काट लेना है, और उसको उसके साथ जो है ना एक पॉलीथीन के अंदर, पॉली बैग के अंदर उसको सारे टुकड़े डाल देने हैं वो, और उसके साथ एक कपड़ा या दो तीन छोटे छोटे कपड़े काट कर रख देने हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब सारी रात, आपको पता है कि अनियन की कितनी ज़्यादा स्मेल होती है, कितनी जल्दी फैल जाती है अगर थोड़ी देर भी आप अनियन को काट कर रख देते हैं, तो जब वो पूरी रात आपको एक पॉली बैग के अंदर, एक पॉलीथीन के अंदर कपड़े के टुकड़ों के साथ
अनियन के पीसीज काट कर रख रहे हैं तो उस कपड़े के अंदर अनियन की स्मेल आ जाएगी, ठीक है। टाई अप द बैग टाइटली, टाइटली उस बैग को बांध दो एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज, और फ्रिज में इसको पूरी रात रखा रहने देना है। अब सुबह जब क्या करोगे, आप ये बैग खोलोगे और इसमें से वो क्लोथ स्ट्रिप्स निकालोगे, आप स्मेल भी कर सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा अनियन की स्मेल आ रही होगी। तो दो स्ट्रिप्स लेनी है क्लोथ की, कपड़े की, जिसमें से कि अनियन की स्मेल आ रही है, और उन पर दोनों पर अलग अलग, एक पर कुछ ड्रॉप्स एसिड्स की डालनी है और दूसरे पर कुछ ड्रॉप्स जो है वो बेस की डालनी है। एसिड जो है माइल्ड एसिड होना चाहिए, मतलब स्ट्रोंग एसिड नहीं होना चाहिए, जैसे कि जो हाइड्रो आप ये भी कह सकते हो कि कंसनट्रेटेड एसिड्स नहीं लेने हमने डाइल्यूट, क्योंकि कंसनट्रेटेड एसिड अगर आपने कपड़े पर डाला तो वो वैसे ही जल जाएगा, तो हमें डाइल्यूट एसिड लेना है। उसकी कुछ ड्रॉप्स हमें एक कपड़े पर डालनी है जो कि सारी रात प्याज के साथ बना रह गया, और दूसरे कपड़े पर हमें बेस की कुछ ड्रॉप्स डालनी है, और फिर जब हम उनको स्मेल करते हैं तो उन दोनों में ही हमें, एक में हमें कोई चेंज नहीं पता चलेगा, एक में जो है अनियन की स्मेल वैसी जैसे आ रही थी वैसे ही आएगी और दूसरे में अनियन की स्मेल चली जाएगी। तो अब आप ये खुद से करके देखिए कि क्या होता है कि एसिड्स में, ये आपके लिए एक टास्क है, एक तरह से बहुत ही सिंपल सा तरीका है एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए। एसिड के लिए आप विनेगर यूज़ कर सकते हो, घर में मिल जाता है सिरका, और बेस के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, बेस के लिए आप सोप सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हो, साबुन का घोल, आप बेकिंग सोडा सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हो, या कपड़े धोने का सोडा है उसका सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हो। तो एसिड और बेस हमें घर पर ही मिल जाते हैं। एसिड के लिए आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हो, दही भी यूज़ कर सकते हो, दही का सिर्फ पानी निकाल कर वो भी यूज़ कर सकते हो, दही में भी एसिड होता है, माइल्ड एसिड होते हैं, हल्के एसिड होते हैं, तो वो आप एसिड और एज एसिड टेस्ट करने के लिए कि अनियन की स्मेल में क्या चेंज होता है एसिड के साथ और बेस में क्या चेंज, बेस के साथ क्या चेंज होता है, वो आप ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट एक बार खुद घर से करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि किस तरह से अनियन स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है विद एसिड एंड बेस, होती भी है या नहीं होती है, और किसके साथ होती है किसके साथ नहीं होती है, तो ये आप करके देख सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट इंडिकेटर्स, तो आप इसको अच्छे से करिए, और मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी आपने इनके बारे में, जैसा कि ये टेबल है तो मैंने आपको बताया था इसमें कि एसिड के साथ क्या चेंज होता है रेड लिटमस सॉल्यूशन में, ब्लू लिटमस में, फिनोक्सिलिन में, मिथाइल ओरेंज में और टर्मरिक में, तो आप जब मैंने आपको ये टेबल में लिखकर बताया था उस तरह से आप भी अपने नोटबुक्स में बना सकते हैं, तो उसको ज़रूर बनाइए और नोट करिए, और लिखने से आपको ज़्यादा अच्छे से ये याद रहेगा, काफ़ी हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको ये। ओके।